गुड मॉर्निंग क्लास, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी में एक नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ है हमारा पाठ 11 और उसका नाम है हमारा उत्सव की अक्लमंदी। सो यहाँ हमने लिखा है उत्सव की अक्लमंदी। अक्लमंदी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अक्लमंदी होती है हमारी समझदारी। मतलब हम कोई भी काम को करने से पहले हम जो सोचते समझते हैं उसी को हम कहते हैं अक्लमंदी। तो आज हम सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जो भी बात आपको बतानी होती है तो आप किसे बताते हो, किसे बताते हैं? देखिए, ज़्यादातर या तो हम अपने दोस्तों को बताते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं। ठीक है, आज की जो कहानी है वो इसी तरह से है कि यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है उत्सव। ठीक है, और उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि वो सारी बातें अपनी एक डायरी में लिखता है। जैसे हम सबको भी शौक होता है कि कभी हम अपनी कोई अपनी डायरी में लिखता है, कोई अपने मम्मी पापा को बताता है, या सिर्फ कोई ऐसी कभी कभी अपनी छोटी छोटी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। तो इस पाठ में उत्सव के साथ एक घटना होती है जिसे वो अपनी डायरी में लिखता है। तो वो अपनी डायरी में क्या लिखता है, उसके साथ क्या घटना होती है, यही आज हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी किताब खोलेंगे, पाठ 11 उत्सव की अक्लमंदी, और हम पढ़ना शुरू करेंगे उत्सव की अक्लमंदी। तो हम शुरू करते हैं पाठ की ओर से। पाठ की ओर में देखिए, सोचिए और बताइए आप अपनी बातें किसे बताते हैं। कि हम सभी अपनी बातें किसी न किसी के साथ तो शेयर करते हैं, मतलब अपनी बातें बताते हैं, चाहे हमारे वो माता पिता हों चाहे कोई भी हों, तो हम उन्हें अपनी बातें बताते हैं। क्या कोई डायरी को भी अपनी बातें बता सकता है? यदि हाँ तो कैसे? तो यही हमारी आज की कहानी है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है उत्सव। ठीक है, और वो अपनी डायरी को अपनी सारी बातें बताता है। तो हाँ, हम डायरी को भी अपनी बातें बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पठन। आओ पढ़ें। आइए उत्सव की डायरी का एक पन्ना पढ़कर उसके बारे में कुछ जानते हैं। मतलब उत्सव को आदत है, वो डायरी तो डेली लिखता है, लेकिन हम आज सिर्फ उसकी डायरी का एक पन्ना पढ़ेंगे और उसने उसे एक पन्ने में क्या लिखा है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, 20 अप्रैल 2022, वहाँ पर ईयर नहीं दिया हुआ बट हम खुद से लगा रहे हैं। प्रिय डायरी, मतलब उत्सव अपनी डायरी को कैसे संबोधित कर रहा है? प्रिय डायरी, मतलब हम जब भी किसी से बात करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ तो कह के बुलाते ही हैं हम। इसी तरह उत्सव भी अपनी डायरी को क्या कह रहा है? प्रिय डायरी। और आगे देखिए क्या लिखता है वो। आज पिताजी ने मुझे शाबाशी दी और मेरी सराहना भी की। मतलब उत्सव के जो पिताजी हैं, पापा जो हैं, उन्होंने उत्सव को शाबाशी दी, मतलब उसकी काफ़ी प्रशंसा की और उसकी सराहना भी की। जैसे हमें कोई देखिए आगे क्या लिखता है उत्सव। मैंने काम ही ऐसा किया था, कल शाम को जब मैं पार्क में खेल रहा था तो चिंटू की माँ ने मुझे खाने के लिए चॉकलेट दी। देखो जो उत्सव है वो रोज़ जो कहाँ जाता है, पार्क में खेलने जाता है। तो कल जब वो कल खेलने गया तो उसे पार्क में कौन मिला? चिंटू की माँ। और उन्होंने क्या किया चिंटू की माँ ने? चिंटू की माँ ने उत्सव को खाने के लिए चॉकलेट दी। अब देखो चिंटू कौन है इसके बारे में जानते हैं आगे। चिंटू वह बच्चा है जो पिछले हफ्ते से ही पार्क में आने लगा था। मतलब चिंटू वहाँ पे रहता नहीं था पहले से, लेकिन पिछले एक हफ्ते से चिंटू जो है पार्क में आने लगा। उसकी माँ रोज़ मुझे देखती थी। मतलब जैसे चिंटू किसके साथ आता है? चिंटू अपनी माँ के साथ आता है। और चिंटू की माँ क्या करती थी? रोज़ उत्सव को देखती थी कि उत्सव पार्क में खेल रहा है, तो वो उसको खड़े होकर देखती होंगी। तभी उत्सव ने नोटिस किया कि वो उसको डेली देखती हैं।
तो वही उससे बता रहा है कि उसकी माँ मुझे आगे पढ़ेंगे। कल जब मैं अकेले झूला झूल रहा था तो वे मेरे पास आईं और मुझे चॉकलेट देने लगी। तो कल क्या हुआ, उत्सव झूला झूल रहा है तो उसके पास कौन आता है, चिंटू की माँ आती है और उस सबको क्या देने की कोशिश करती है, चॉकलेट। देखो चॉकलेट तो सभी बच्चों को पसंद होती है, तो वो उसको क्या देती है, चॉकलेट देती है। आगे देखिए क्या होता है। जब मैंने मना किया तो वे कहने लगी कि तुम भी तो मेरे बेटे की तरह ही हो, इसलिए तुम मुझसे चॉकलेट ले सकते हो। अब देखो जैसे चिंटू की माँ जब उत्सव को चॉकलेट देती है तो उत्सव मना कर देता है, लेकिन चिंटू की माँ क्या कहती है कि तुम भी तो मेरे बेटे की तरह हो। अब क्या होता है आगे देखिए। मुझे उनकी बात सही लगी, पर तभी मुझे पिताजी की बात याद आई कि हमें किसी अजनबी से कोई भी चीज़ नहीं, मतलब देखो उत्सव के जो पिताजी हैं उन्होंने उत्सव को समझाया हुआ था कि हमें किसी भी अजनबी कौन होता है, जिसे आप नहीं जानते हो, तो हमें किसी भी अजनबी से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जब चिंटू की माँ उत्सव को चॉकलेट देती हैं तो चिंटू को अपने पिताजी की वो बात याद आ जाती है और वो रुक जाता है चॉकलेट लेने से। आगे पढ़ते हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी अजनबी से चीज़ नहीं ले सकता तो वे कहने लगी, बेटा हम तो रोज़ मिलते हैं, फिर मैं अजनबी कैसे हुई। अब क्योंकि देखो पिछले एक हफ्ते से चिंटू और चिंटू की माँ पार्क में आने लगे हैं, तो चिंटू की माँ क्या कहती है उत्सव से कि हम तो रोज़ मिलते हैं, तो हम तो मतलब कि जब मिल रहे हैं रोज़ तो हम अजनबी कैसे हुए। तो देखो अब आगे क्या होता है। मुझे उनकी बात सही लग रही थी और चॉकलेट भी मेरी पसंदीदा थी, पसंदीदा मतलब जो हमें पसंद होती है। अब चिंटू का मन तो बार बार अब देखो क्या होता है कि उसका मन तो बार बार कर रहा है, लेकिन उसको याद भी आ रही है पिताजी की बात बार बार की नहीं मुझे अजनबी से कुछ नहीं लेना है। आगे क्या होता है। पर मुझे बार बार पिताजी की बात याद आ रही थी, फिर मैंने कुछ सोचा और उन्हें बोला, यदि आप मुझे चॉकलेट देना चाहती हैं तो मेरी माँ को बता कर दीजिए। अब देखो उत्सव को क्या हुआ कि जब पिताजी की बात उसको बार बार याद आ रही है, चॉकलेट उसका खाने का मन कर रहा है लेकिन उसे अपने पिताजी की बात भी याद आती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी समझदारी से काम लेता है और चिंटू की माँ से कहता है कि अगर आपको मुझे चॉकलेट देना है तो मतलब उसकी मम्मी वहाँ पर होंगी थोड़ी दूर, तो कहता है कि आप मेरी माँ को बता दीजिए और मुझे चॉकलेट दे दीजिएगा। और फिर वो क्या करता है, तभी मैंने माँ को आवाज़ लगाकर अपनी ओर बुलाया। अब जो उत्सव है उसकी माँ जो है वहाँ पास में ही है, तो उत्सव क्या करता है अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और उन्हें बुलाता है। माँ को पास आता देख वे वहाँ से तुरंत चली गई, मतलब जैसे चिंटू की माँ ने देखा कि उत्सव की माँ पास आ रही है, मतलब उत्सव ने बुलाया क्योंकि अपनी माँ को, तो वो उनके पास जाने लगती हैं। और जैसे ही चिंटू की माँ ने देखा कि उत्सव की माँ आ रही है पास में, तो क्या होता है वो वहाँ से तुरंत चली जाती है, मतलब भागने लगती है वहाँ से, चलने लगती है। अब आगे क्या होता है देखिए। मैंने माँ को सारी बात बताई, माँ ने जल्दी ही पुलिस गार्ड तथा अन्य सभी लोगों को सूचित कर दिया। अब जैसे ही चिंटू ने अपनी माँ को बताया कि माँ वो महिला जो है चिंटू की जो माँ है, उत्सव अपनी माँ से कहता है कि जो चिंटू की माँ है वो मुझे चॉकलेट देना चाहती थी लेकिन जब मैंने आपको आवाज़ लगाई तो क्या हुआ, चिंटू की माँ वहाँ से चली जा रही है।
अपनी माँ को बताता है उत्सव, तो उसकी माँ क्या करती है, वो तभी जो पार्क में जो गार्ड होता है, पार्क के गेट पे गार्ड बैठा होता है, उसको सूचित करती है, मतलब उसको सूचना देती है कि एक महिला है ऐसे भाग कर आ रही है। और गार्ड क्या करता है, गार्ड पुलिस को बुलाता है। अब आगे क्या होता है देखिए, गार्ड ने उन्हें गेट पर ही पकड़ लिया। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। अब देखो क्या हुआ कि थोड़ी देर में ही जब उस गार्ड ने उस लेडी को पकड़ लिया था जो चिंटू की माँ थी, और पकड़ लिया तो थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है, और क्या करती है पुलिस, वो उनको पकड़ के जेल में डाल देती है। आगे पढ़ते हैं। जानती हो डायरी, वे बच्चों को बहलाकर अपने साथ ले जाती थी। चिंटू भी उनका बेटा नहीं था, वे उसे किसी दूसरे शहर से पकड़कर लाई थी। मतलब देखो कि जो वो चिंटू की माँ जो बनी हुई है, वो चिंटू की माँ नहीं है, वो तो चिंटू को कहीं से पकड़कर लेकर आई थी। सबको मेरी समझदारी पर बहुत गर्व हुआ। मतलब उत्सव ने जो समझदारी दिखाई उस पर सबको बहुत गर्व हुआ, मतलब अभिमान हुआ सबको कि आपने बहुत अच्छा काम किया बेटा, आपने अजनबी से नहीं लिया और आपने अपनी माँ को भी बताया, तो सब ने बहुत ज़्यादा उत्सव पे गर्व किया। पुलिस ने भी मुझे शाबाशी दी। आगे देखिए। अच्छा डायरी, अब मैं लिखना बंद करता हूँ, तुम्हारा दोस्त उत्सव। तो उस दिन की सारी बात जो है उत्सव ने अपनी डायरी में लिखी है, और उसके बाद उत्सव कहता है कि अब मैं लिखना बंद करता हूँ। तो हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है बेटा। आगे देखिए। अब हम दिए गए चित्रों की मदद से डायरी में दी गई घटना समझिए। देखिए हमने अभी तो कहानी पढ़ी, लेकिन अब उसी कहानी को यहाँ पर चित्रों के द्वारा भी समझाया गया है। अब देखिए बेटा, ये पहला चित्र है जो कहानी से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि आपको दिखाया हुआ यहाँ पर झूला है, और झूले पे कौन बैठा हुआ है, उत्सव बैठा हुआ है, वो झूला झूल रहा है, और उसके सामने कौन खड़ा है, चिंटू की माँ खड़ी है, और उसके हाथ में क्या है, चॉकलेट है। तो जैसे चिंटू उसने बताया था हमें उत्सव ने कि वो झूला झूल रहा था, और चिंटू की माँ क्या करती है, उसे चॉकलेट खाने के लिए देती है। नेक्स्ट देखिए, अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में क्या है कहानी कि जब उसको उत्सव मना कर देता है चिंटू की माँ को कि मुझे अगर आपको चॉकलेट देनी है तो आप पहले मेरी माँ को बता दीजिए। तो अब उत्सव ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, और उसकी माँ देखो आती है जो ब्लू कलर के सूट में, जो वो उत्सव की माँ है। और जैसे ही उत्सव की माँ उत्सव के पास पहुँच रही होती है, उससे पहले देखो चिंटू की जो माँ है वो वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कि वो वहाँ से भाग रही है बाहर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नीचे देखिए, नेक्स्ट चित्र है हमारा। यहाँ पर उत्सव खड़ा हुआ है, पुलिसमैन है। तो वो सारी बातें जब पुलिस को पता चलती है, तो पुलिस क्या करती है, उत्सव को बहुत शाबाशी देती है, उसकी प्रशंसा करती है और सराहना भी करती है। तो इसी तरह हमने कहानी को चित्रों द्वारा भी समझा। तो आज की कक्षा यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।